राहत देने वाली अब तक साबित होती आई है और ऐसे में उसका जो बजट है वो 2000 करोड़ का रखा गया है। गौशालाओं के लिए करीब 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वन पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कई मंचों से पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के नजदीक जाकर उसके दुरुपयोग के बजाय उसका सदुपयोग किए जाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है और साथ ही रेल परियोजनाओं को भी गति दिए जाने के लिए वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रावधान किया है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र उन्होंने किया और इस प्रति व्यक्ति आय का जो समय अभी अगले 4 से 5 साल का सरकार के कार्यकाल का बचा है उसमें आगे इसे और बढ़ाए जाने का भी दावा उन्होंने पेश किया। और इस बार जो पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में 16% इजाफा किया गया उसमें प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी और अपनी सरकार के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण गुणवत्तापूर्ण बिजली हम प्रदेश में दे रहे हैं। सौर ऊर्जा परियोजना का भी विस्तार हो रहा है और इसका एक उदाहरण उन्होंने मध्य प्रदेश की उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में पूर्ण रूप से सोलर पैनल्स लगाकर सौर ऊर्जा से पूरे बाबा महाकाल धाम को जगमग करने का जो लक्ष्य लिया उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि वो किस तरह से काम करेगा। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी राशि जारी की गई है और ओंकारेश्वर धाम में भी 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाए जाने का जिक्र उन्होंने किया। 48 लाख हेक्टेयर भूमि पर हेल्थ सेक्टर पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए जो लगातार आग्रह किया जा रहा था उसका भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि लोग सुमर जाए आर्थिक बजट के आकार लोग प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भाव पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,563 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। युवाओं की बात जो करते हुए न्याय करें ये मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जिसके एक अंश के माध्यम से अनुरोध है सही थाई आप परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में ₹40,406 करोड़ का प्रावधान है। वो ये छवि आगरा क्योंकि वर्ष 2024 में रुपये 1,046 करोड़ प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की